क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसके पहले आपको बताया था मैंने, सेकंड थर्ड पार्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए 18 का सेकंड पार्ट क्या है, वन डिटरमिनेंट 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये क्यूब होगा अल्फा नहीं होगा ठीक है बीटा क्यूब इसका लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं, क्या कहते हैं डिटरमिनेंट का लेफ्ट साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा, ये आपका लेफ्ट साइड ना। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करेंगे तो जो राइट साइड वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी, लेकिन बिफोर एक्सपेंडिंग मैक्सिमम जीरो इन एन वाला जीरो आर पाल, ठीक है। किसी एक रो कॉलम में मैक्सिमम जीरो बना लेते हैं, फिर डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी एक रो कॉलम में मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक रो और या कॉलम के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल करते हैं या फिर 1 1 कर देते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट रो ऑलरेडी 1 1 1 है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो जब एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 1 हो जाते हैं या मैक्सिमम 1 हो जाते हैं तो उस 1 का यूज करके क्या करते हैं, 0 बनाते हैं ना। इसमें ऑलरेडी 1 1 आपके पास है, इसका यूज करके इसको 0 बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो जैसे C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 कर देंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1 कर देंगे तो 1 1 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बन जाएंगे ना, मैक्सिमम 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपेंड कर देंगे, तो चलिए C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 कर देते हैं एंड C3 इज रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, ठीक है। चलिए इसको रिप्लेस करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब माइनस गामा, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, हाँ देखिए C3 माइनस C1 का लिए C3 1 से 1 माइनस करें क्या होगा, 0, तो 1 माइनस 1 गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर गामा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, कॉपी कर लिए, ठीक है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट कर दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बताओ, ए माइनस बी इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एंड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ना, ए फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है फिर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, है ना। अब यहाँ पर लीजिए वन माइनस वन क्या होगा जीरो हो जाएगा, जीरो फिर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा गामा प्लस बीटा, है ना। अब गामा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा गामा माइनस बीटा गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका देखें फर्स्ट कॉलम में बीटा माइनस अल्फा कॉमन, देखिए बीटा माइनस अल्फा यहाँ बीटा माइनस अल्फा यहाँ, यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा ले सकते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, थर्ड कॉलम से देखिए सर सेकंड कॉलम से बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, थर्ड कॉलम में देखिए गामा माइनस बीटा जीरो है तो यहाँ पर गामा माइनस बीटा ले सकते हैं, गामा माइनस बीटा यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी, तो थर्ड कॉलम में इस एलिमेंट में गामा माइनस बीटा है इसलिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है क्योंकि डिटर्मिनेंट में एक दो या कॉलम में सभी एक ही फैक्टर रहता है एक ही टर्म रहता है तो काम बन जाता है, ठीक है। पहले सेकंड कॉलम से क्या करते हैं बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए, थर्ड कॉलम से क्या करिएगा गामा माइनस बीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा वन अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ठीक है फिर क्या हो जाएगा बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट बीटा माइनस अल्फा बाहर ले लेते हैं क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। और इसमें थर्ड रो में से बीटा माइनस अल्फा बाहर चला गया तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा ना। अब उसमें देखिए थर्ड कॉलम से गामा माइनस बीटा हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा जीरो हो जाएगा गामा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, ठीक है। अब उसका देखिए अब क्या करते हैं अब फिर जैसे दो मिल गया आपको बीटा माइनस अल्फा मिल गया गामा माइनस बीटा मिल गया तो क्या हमको जरूरत है यानी कि अल्फा माइनस बीटा चाहिए बीटा माइनस गामा चाहिए, इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो चीज ले जाएगा हमको, ठीक। और तीसरा क्या गामा माइनस अल्फा तो गामा माइनस अल्फा ले आते हैं तो गामा माइनस अल्फा लेने के लिए क्या करिए बताओ जैसे सी टू के रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी थ्री कर देते हैं करेंगे तो क्या हो जाएगा एक चीज और कॉमन बन जाएगा, एक टर्म और कॉमन मिल जाएगा इस वजह से थोड़ा शार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं सी टू इज रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी थ्री कर देते हैं सी टू माइनस सी थ्री, तो क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी बीटा माइनस अल्फा हमको क्या चाहिए अल्फा अल्फा माइनस बीटा चाहिए बीटा माइनस गामा चाहिए, तो देखिए माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए तो दो माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और लेकिन इसमें क्या हो जाएगा इस फैक्टर में साइन बदल जाएगा माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो बीटा प्लस हो जाएगा गामा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमको जरूरत है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है फिर माइनस कॉमन ले लिया बीटा माइनस गामा, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा वन अल्फा स्क्वायर अल्फा, ठीक है फिर जीरो जीरो में से जीरो माइनस करिए जीरो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और जैसे कहिए कि सी थ्री रिप्लेस करें सी थ्री रिप्लेस बाय सी थ्री रिप्लेस बाय सी थ्री माइनस सी थ्री, ठीक है तो गामा माइनस बीटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो सेकेंड कॉलम में अनचेंज है सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम आई थी जिस कॉपी कर लीजिए ना, थर्ड में आप क्या करिए चेंज करिए अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो चलिए जीरो में से जीरो गया जीरो हो जाएगा गामा प्लस बीटा और गामा प्लस बीटा, ठीक है माइनस
माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना, ठीक है। अब देखिए अल्फा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। लेफ्ट साइड रफ कर दें, लेफ्ट साइड रफ करें,
गामा मान संख्या है, गामा मान संख्या बाहर ले लेते हैं, तो गामा मान संख्या क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और इसके पहले आपका क्या था, आपका मान बीटा था और बीटा मान गामा था, है ना, अल्फा मान बीटा, बीटा मान गामा, इसको आइए चीज कॉपी कर लेते हैं। क्या अवस्था है, अब गामा मान सल्फा बाहर ले लिया आपने, तो क्या बचता है, तो वन वन बचता है, अल्फा स्क्वायर अल्फा टू, फिर जीरो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, गामा मान सल्फा बाहर चले गए, तो जीरो वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये चीज हो। आप क्या करते हैं, आप जो है आप जीरो करने का चांस है नहीं चांस है, छोटा होने का चांस है ना, ठीक है, तो क्या करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं, बीटा में क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए आपको अल्फा मान बीटा, बीटा मान गामा, गामा मान अल्फा चाहिए, ये हमको मिल गया है, आप पहले एक टर्म और निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो कि एक्सटेंशन से मिल जाएगा। तो देखिए हम उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को फिल करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम जीरो होता है ना, तो देखिए किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, किस रो किस कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, तो मैक्सिमम जीरो किस में है, हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में मैक्सिमम जीरो ना, तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है, जीरो चला गया आपका कॉलम चला गया ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, और हम बीटा की वैल्यू क्या देंगे, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अब इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, अल्फा पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा प्लस अल्फा बीटा मिल जाएगा प्लस अल्फा गामा मिल जाएगा, और प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करें बीटा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, अब लाइट टर्म को इसी कर दीजिए, जैसे प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा चलिए काफी कर लेंगे राइट।